टॉपिक है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये है, देखिए हालांकि हमारे सिलेबस में भी है चैप्टर वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सब में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि लगातार अगर हम क्लोज रिलेटिव्स के बीच में या एक सेम प्लांट के बीच में अगर एक ही पौधा आपस में उसके दो फ्लावर्स मेटिंग करते रहे या उसी सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्टिलाइजेशन करते रहे तो उसकी वजह से लगातार लॉन्ग टर्म तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उनकी प्रोजेनी के अंदर वेरिएशन की कमी आ जाएगी और वहां पे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर लॉस होते चले जाएंगे और होमोजाइगस कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से उस स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब देर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दोज स्पीशीज विच अंडरगो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा अलग अलग कास्ट बनी हुई है, हर एक कास्ट के अंदर गोत्र बनाए गए हैं और आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो मैरिजेस की जाती हैं, शादियां की जाती हैं, वो सेम गोत्र में ना करवा के अलग गोत्र में कराई जाती हैं। उसका सीधा सा रीजन जानते हैं ये है, देखिए ये तो आज मैं आपको डीएनए के हिसाब से बता रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने इस चीज को बहुत पहले मतलब इन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि अगर सेम फैमिली में या उसी फैमिली ट्री के अंदर किसी से मैरिज की जाएगी तो उसका रिजल्ट ये होगा जो मैं आपके पीछे दिखा रहा हूं, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसी कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा अगर सेम फैमिली में या उस फैमिली ट्री में किसी भी पर्सन आपस में क्रॉस मैरिजेस करेंगे तो ऐसी वजह से जो आने वाली जो प्रोजेनी है वो प्रोजेनी क्या होगी, ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के या मेंटली रिटार्डेड होगी और ऐसे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमारे यहां पे क्या किया जाता है, दो अलग अलग गोत्र, अलग अलग गोत्र का मतलब है जो एक गोत्र है उसका जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसका डीएनए बिल्कुल अलग होना चाहिए और दूसरा गोत्र है उसकी जेनेटिक ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री बिल्कुल अलग होनी चाहिए और जब उनके बीच में मैरिज होंगी तो ऑफस्प्रिंग के अंदर होमोजाइगस कैरेक्टर ना होके हेट्रोजाइगस कैरेक्टर बहुत ज्यादा होंगे। इसी चीज को आप समझ सकते हो किससे, टाइगर पॉपुलेशन से। देखिए आज की डेट में हम लोगों ने टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए बहुत बहुत एफर्ट लगा रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग टाइगर्स को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन जानते हो आप, उसका रीजन है ये कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन में मेंबर्स बचे हुए हैं वो मेंबर्स बहुत कम बचे हुए हैं, मतलब उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बचे हुए हैं उनमें वो आपस में मैरिजेस करते हैं और जो कब्स पैदा होते हैं वो उनके अंदर वेरिएशन नहीं होता, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर नहीं होते, लो इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे डिजीज के लिए और यंग स्टेज पे वो डेथ कर जाएंगे। तो वो बढ़ेंगे नहीं, अडल्ट नहीं होंगे तो वो किस तरीके से आप समझिए कि वो पॉपुलेशन को बढ़ा पाएंगे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैरिजेस कराई जाए या प्लांट के रेस्पेक्ट में, प्लांट अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि एक प्लांट का मेल फ्लावर दूसरे प्लांट का फीमेल फ्लावर अगर आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ही वहां पे उसके अंदर उसकी आने वाली प्रोजेनीज के अंदर आपको वेरिएशन ज्यादा मिलेगा, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स ज्यादा मिलेंगे और उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहेगा और स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होगी। और नहीं तो अगर वो लगातार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता चला जाएगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की वजह से क्या होगा, वहां पे वेरिएशन की कमी आ जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर लॉस होंगे, होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए प्लांट्स ने क्या किया था, अपने अंदर कुछ डिवाइसेस बनाए, डिवाइसेस का कुछ मेथड्स बनाए जिससे वो एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज या इनहिबिट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।